जिधर देखो वतन में नफ़रतों की धार चलती है, जिधर देखो वतन में नफ़रतों की धार चलती है, अदालत सच में अंधी है तो फिर बेकार चलती है, और जिसे जब चाहते हो जेल में तुम बंद करते हो, क्या यहाँ तुम्हारे बाप की सरकार चलती है। हक की लड़ाई के लिए आप जो लोग बैठे हैं, हालांकि बहुत कम वक्त है मेरे पास, हक की लड़ाई के लिए आप जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको मेरा सलाम है। जब 13 दिसंबर को और 15 दिसंबर को हम लोग जामिया और शाहीन बाग पे बैठने के लिए निकले थे, तो लोगों ने पूछा था हमसे कि आप जो बाहर निकल रहे हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या आपको लगता है एक सरकार जो नागपुर से चलती है वो आपकी बात सुनेगी दिल्ली में। तो मैंने उनको बोला था एक जवाब कि फ़ायदा और नुकसान क्या होगा ये तो अल्लाह की जात जानती है, लेकिन मैं घर से नहीं निकला तो मेरा नुकसान ही होगा ये मुझे मालूम है। उसी नुकसान से डर के, उसी नुकसान से बचने के लिए मैं निकला हूँ। और आप सब लोग इस बात को जानिए, CNRC पे आपने अक्सर दो तरह की डिबेट सुनी होगी। कई लोगों ने आके बोला होगा कि CA और NRC कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के खिलाफ है। आपके कई लोगों ने बताया होगा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है, और ये CNRC आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू में आता है। कई लोगों ने आपको ये भी बताया होगा कि CA और NRC का पूरा मुद्दा इकोनॉमिक भी आता है। पूरे सिर्फ आसाम में CNRC के लिए उनको 1600 करोड़ रुपए लगे हैं, और पूरे मुल्क के CA NRC के लिए उनको 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन मैं तीसरे मुद्दे पे बात करूंगा जो आपने नहीं सुना होगा। मैं आज ये बात करूंगा कि CA और NRC का कॉम्बिनेशन हिंदुज्म के खिलाफ कैसे है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। 1893 में जब विवेकानंद शिकागो में जाते हैं तो अपने बहुत ही फेमस हिंदुज्म कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करता है, मैं खुशनसीब हूँ मैं हिंदुज्म से हूँ जो टॉलरेंस की बात करता है। आप और उससे पीछे जाइए, महाउपनिषद में आर्टिकल पार्ट 4 श्लोक 72 में महाउपनिषद में वो लिखा हुआ है, अयम नीजा परोवेति गणना लघु चेसाम, अयम नीजा परोवेति गणना लघु चेसाम उदार चरितनाम च वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये मेरा है और ये तुम्हारा है, जो ये बोलो वो छोटी सोच का है, जो बड़ी सोच वाले हैं उनके लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो क्या ये छोटी सोच का नहीं है जो कहे कि पाकिस्तान का मुसलमान हमारा नहीं है लेकिन हिंदू हमारा है? क्या ये छोटी सोच का आदमी नहीं है जो ये कहे कि बांग्लादेश का हिंदू हमारा है, बंगाली मुसलमान हमारे नहीं है? क्या ये छोटी सोच का आदमी नहीं है जो ये कहे अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू और क्रिश्चियन हमारे हैं लेकिन मुसलमान हमारा नहीं है? ये छोटी सोच, इससे लड़ना है, हमें से लड़ना है कि जुल्म तो जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म तो जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है टपकेगा तो जम जाएगा। हम अपने हक के लिए इस जुल्म से लड़ने के लिए हमेशा तैयार थे, हमेशा तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, हमें एक सवाल अपने आप से और सबसे करना है। इस मुल्क का सेकुलरिज्म सारे मज़हबों को एक नज़रिए से देखता है। कोई आदमी अगर किसी मंच पे कहे कि मैं हिंदू हूँ, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हम एक्सेप्ट करते हैं। कोई आदमी आके कहे कि मैं मुसलमान हूँ, आपको वो भी एक्सेप्ट करना है। कोई जय श्री राम का नारा लगा के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बात करे, वो भी एक्सेप्टेड है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के अपनी बात करे, वो भी एक्सेप्टेड है। नारों में गलती नहीं है, गलती वायलेंस में है, गलती वायलेंस में है, गलती सोच में है, गलती RSS की घटिया राजनीति में है, गलती BJP में है, गलती अमित शाह में है, नरेंद्र मोदी में है, गलती हमारे आपके अंदर नहीं है। और गलत बातों को सुनकर, गलत बातों को सुनना और सुनकर हामी भर देना, गलत बातों को सुनना और सुनकर हामी भर देना बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता।
तो गलत बातों को हम सुनेंगे, हाँ में नहीं भरेंगे। हम 2014 के बाद से पिछले 6 सालों में हमने हामी ही भरा है, हमने हर मुद्दे पे हामी भरा है। हमने नागरिकता का अपना जवाब देते देते 6 साल गुजर गया, हमें बाबरी मस्जिद पे हमने हामी भरी, हमने ट्रिपल तलाक पे हामी भरा, 370 के अप्रोगेशन पे हामी भरा, और उसका जवाब क्या मिलता है? ये सरकार अब नागरिकता पे सवाल करने लगी है। तो हमें इस हामी भरने की बात से, इस आदत से हमें निकलना होगा। अब हम हामी नहीं भरेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम लड़ेंगे अपनी बात करने के लिए, हम लड़ेंगे सच्चाई के लिए, हम लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए। बस, और जिस नारों के साथ जामिया में पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो नारा इस मंच से लगना ज़रूरी है। तो मैं बस 2 मिनट, मैं पूछा, जामिया में भी हमने बात की, आपसे पूछता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? Say it on the police face. Say it on the barricade. Say it to the RSS. Say it to the BJP. Say it to the Congress. Say it to the BSP. Say it to the AAP. अरे हक से बोलो, सच है बोलो। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे तुम भी बोलो, हम भी बोले। तेरा मेरा रिश्ता है, सच है, हक है, यही काबिल है। अस्सलाम वालेकुम।